एम्बुलेंस वगैरह देख सकते हैं यहाँ पे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर सोनिक। तो दोस्तों, आज हम एमपी में हैं और एमपी का वर्ल्ड फेमस गेम देखने आए हैं। आपको मैं ऐसा गेम दिखाने जा रहा हूँ जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में और पूरे एमपी में सिर्फ एक ही दिन मनाया जाता है, वो सिर्फ पोलियो के दिन। और उस गेम इतना खतरनाक है कि उसमें जान भी जा सकती है। तो आपको बस दिखाने जा रहा हूँ यहाँ से पांडुरना यहाँ से 16 किलोमीटर दिखा रहा है और मैं और मेरा भाई हम निकल चुके हैं पांडुरना का वो गेम जानलेवा गेम देखने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ, आपको वो गेम के बारे में पूरी डिटेल्स दूंगा। ये भाई, तो गाइस देख सकते हैं आप एम्बुलेंस वगैरह देख सकते हैं यहाँ पे। तो भाई मैं आ गया हूँ यहाँ पे ये पांडुरना का गेम देखने के लिए, लेकिन मैं बिल्कुल हेलमेट नहीं निकाल रहा हूँ भाई। इधर पत्थरबाजी वगैरह होती है, तो बिल्कुल मैं हेलमेट वगैरह नहीं निकालने वाला हूँ। तो गाइस वो सावर गांव है और इधर साइड का है पांडुरना। तो इसके स्टोरी में आपको वीडियो में आगे बताते रहूँगा। ये बीच में फ्लैग लगाए जाते हैं और आजू बाजू से इधर के गाँव के और उधर के गाँव के पत्थरबाजी करते हैं। गवर्नमेंट ने भी बंद करने की बहुत कोशिश की थी इसको, लेकिन अभी वापस से चालू हो गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर बिल्डिंग की छत पर दूर दूर गांव के लोग हैं। इतनी पब्लिक आपने कहीं नहीं देखी होंगी। ये देखिए, माहौल होता आता था वेगळा माहौल। तो एकच रात्रीची अशी गोष्ट झाली म्हणते, रात्रीला काही फोन तर नव्हते तेव्हा, काही झालं असेल त्यांचं बोलणं चालणं चिठ्ठी के माध्यम से वगैरे। तर त्यांचं डिसाईड झालं की आता आपल्या इथून पळून पाडण्याला यायचं आहे आणि लग्न करायचं। तर आत्ती जी घटना होती ती, मग त्या सावधगावच्या लोकांना कळलं की मुलगी पळत आहे बुवा, यांनाही कळलं पाडण्याच्या लोकांना की मुलगा लग्न करत आहे। तर हे आले मग नदीच्या जवळ आले, म्हणजे सेंटरमध्ये आले। अच्छा, जिथे झेंडा गाडते ना। अच्छा, तो झेंडा गाडलेला आहे भगव्या कलरचा, ब्लॅक कलरचा, ऑरेंज कलरचा। तो भगवा त्याचं ते प्रतीक आहे। और उस समय कुछ औजार नहीं थे लोगों के पास में, तो पत्थर से एक में को एक ही है यानी उसका ने विरोध किया। पत्थर से एक दूसरे के ऊपर मतलब विरोध किया। तो विरोध में फिर वो दोनों शहीद हुए कि जिंदा थे, शादी हुई, उसके बारे में आगे का भी कोई इतिहास नहीं पता। इतना बोल सकता है पूरे महाराष्ट्र से, एमपी से, छत्तीसगढ़, यूपी से, पूरे इंडिया के लोग यहाँ आते हैं और वो देखते हैं, तो उनको काफ़ी मज़ा आती है। लास्ट क्लास में ये होता है ये गेम में कि वो देखो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना के नहीं क्या आगे की ओर बढ़ते हैं ताकि वो झंडे को तोड़ सके। पत्थर मारे जाते हैं ऐसी कि ताकि झंडा तोड़ना पड़े। आप देख सकते हैं कैमरे में पांडुरना के सावर गांव वालों को मार रहे हैं पत्थर। नदी के इस पार का पांडुरना है और उस पार का सावर गांव है। बहुत सालों से चल रहा है गेम। इतनी पब्लिक आपने कहीं नहीं देखी होंगी, क्रिकेट स्टेडियम में भी नहीं रहती इतनी पब्लिक। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक है। ये मैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और मुझे यहाँ की हिस्ट्री भी नहीं पता थी, लेकिन मनीष भैया ने हमको बहुत हेल्प की। ये देखिए, इसके पीछे बहुत पुरानी हिस्ट्री है और यहाँ पे पत्थर की वजह से सीरियस इंजरीज भी होती है। ऐसा है नहीं है कि किसी की तो भी डेथ भी हो जाती है। हाँ वही, किसी की डेथ भी हो जाती है। और यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट के लोग वगैरह भी रहते हैं। यहाँ पे खुद गवर्नमेंट एम्बुलेंस प्रोवाइड करती है, डॉक्टर प्रोवाइड करती है और यहाँ पर पुलिस प्रोटेक्शन भी दिया जाता है और गवर्नमेंट की तरफ से इनको मारने के लिए हेलमेट निकालने की इच्छा नहीं हो रही मेरी। ये नागपुर के भैया मिले हैं, नाव सांगून देना था मनीष घोड़े, इनके साथ ही ये मुझे गाइड कर रहे हैं, मतलब इनके साथ ही मैं घूम रहा हूँ। ये है अभी उठाने के लिए जाने के लिए इनको ये करना है। 40 बजे टूट गया झंडा, नहीं तो डेढ़ दो घंटे बाद टूटता। आज बहुत जल्दी झंडा टूट गया बोलते।
तो रात हो जाती बोलते 3:40 को तो झंडा टूटा, 3:40 को झंडा टूटा है, ये तो 5:30 बजे टूटता है झंडा। बाप रे, इस बार विफल काम हो गया। वो लोग क्यों आ रही इधर झंडा को ये करने के लिए? वो नहीं, वो हमें झंडा ना उठाने के लिए वो आ रहे, अरे झंडा उठाना नहीं चाहिए इसलिए लोग आ रहे हैं। लेकिन लेकिन पटना के लोग जाएंगे, झंडा उठाएंगे चंडिका माता के मंदिर में लेके जाएंगे। अच्छा, झंडा उठा के चंडिका माता के मंदिर में लेके जाएंगे, पूरी पब्लिक जाएंगे। तो गाइस, पांडुरना और सावरगांव की जो गेम है वो भी हम देख के आ रहे हैं, बहुत भयानक एक्सपीरियंस था हमारा। और अभी हम घर की तरफ निकल रहे हैं, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के बने रहिए हमारे साथ एक्सप्लोसोनिक। बाय बाय।